गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट टू वीडियो देखेंगे। पार्ट वन वीडियो जो हम लोग कल देख चुके थे, आज हम लोग पार्ट टू वीडियो देखेंगे 41 से लेके 82 तक, 41 टू 82 तक। कल देखे थे हम लोग 1 to 40 तक देखे थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों में होता है, सुबह और शाम दोनों होता है। प्रकाश संश्लेषण जो हमेशा होता है वो दिन में होता है, आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। कितना 42 नंबर, पादप में फ्लोएम का संवहन होता है। पादप में जो होता है फ्लोएम का संवहन जो होता है भोजन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, जल के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा पादप में फ्लोएम का संवहन जो होता है, संवाहक होता है, वो भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये आपका VVI क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। सब एक से एक क्वेश्चन को लाया गया है जो आपको नॉलेज भी आपको हो और एग्जाम में इससे बाहर न भी पूछे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से और डिक्टियोजन से। तो कहाँ से निकलती है, तो जल से निकलती है। जल का ही ना सूत्र H2O होता है, उसी से ना ऑक्सीजन का बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लसिका। तो क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का जो होता है हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ द्रव होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंग है। बताइए प्रकाश संश्लेषण, कल भी हम जो वीडियो बताए थे, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं जो देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग है पति, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है, हरित लवक। अब आपको सजन किसके द्वारा होता है, तो पति के द्वारा होता है। ब्रिक में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुल्स, वोमेन संपुट। राइट आंसर आपका हो जाएगा नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन का आपका डिफिनेशन भी हो गया कि ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लीवर हो गए, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या है, लीवर है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आपका भी यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल, इनमें से क्या आवश्यकता नहीं है, तो ऑक्सीजन, स्वपोषी के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं है। ये तीनों आवश्यक होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, तीनों आवश्यक है लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछता है, पिछला साल भी क्वेश्चन पूछा है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। उत्पाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। तो इनमें भोजन जो अमीबा में अंतर्ग्रहण करता है उत्पाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 50 नंबर, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधे में जो श्वसन होता है ADP टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है, 30.5 किलो जूल पर मोल, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 51, रक्त को थक्का जलाने में सहायता करता है। रक्त को थक्का जलाने में सहायता करता है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो जहां जगह रक्त को थक्का जाना जमने में सहायक करता है कौन, रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में और ग्रास नली में। तो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो भोजन का जो पाचन होता है कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो भोजन का जो पाचन है मुंह से स्टार्ट हो जाता है और कहाँ पर क्रिया पूर्ण उसका होता है, तो छोटी आंत से भी होता है। ये सब क्वेश्चन जो है कि VVI क्वेश्चन है और लाइफ में भी क्वेश्चन है, सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
53 नंबर, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों का स्त्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत जो है उसके दीवार में जो पाई जाने वाली ग्रंथियों जो है उसका स्त्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, सक्सस एंटीरस, एंटीरस जठरस, इनमें से ए और बी दोनों। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए और बी दोनों, आंतरस और सक्सस एंटीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, ये 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बोर्ड में, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, एक बार दो बार तीन बार, नहीं तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। एक व्यस्क मनुष्य का कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, कल हम लोग पढ़ रहे थे बेसमें की संख्या, जो कि मनुष्य में बेसमें की संख्या कितना होता है? तो मनुष्य में जो बेसमें की संख्या होता है 4 पढ़े थे कल। आज हम लोग को पढ़ना है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है? 2, 3, 4, केवल 1। तो कितना होता है मनुष्य में जो होता है हृदय में कोष्ठकों की संख्या होता है कितना होता है? 2 होता है। आप लोग रट लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, मनुष्य वाला और मछली वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता ही है, और एग्जाम में भी, या आपके एग्जाम में भी सभी भेज गया ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वाद कलियां पाई जाती है, स्वाद कलियां अग्नाशय के ऊपर सतह पर, जीव के ऊपरी सतह पर, अग्र चूर्णक पर, ग्रसनी के भीतर दीवार पे, कहाँ पे पाया जाता है? तो जीव के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। जिसे हम लोग खाते हैं तो कोई चीज खट्टा लगता है, कोई चीज मीठा लगता है, उसे स्वाद कलियां वहीं पे पाया जाता है, जीव के ऊपरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अग्नाशय के अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, कुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। तो क्या इसका हो जाएगा? कार्डियक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है, अग्नाशय कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? मुख गुहा का जो है कि पिछला भाग जो है ग्रसनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो बताइएगा मनुष्य के सजीव जो होता है उसका क्या लक्षण सबसे अच्छा है? तो श्वसन सबसे अच्छा लक्षण जो है इसमें, प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सजीव का मुख्य लक्षण जो है कि श्वसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोर पर पाई जाने वाली एक छोटी नलिनुमा होता है, छोटी आंत जहाँ पर होता है और बड़ी आंत होता है वहाँ पर एक छोटी सी नलिनुमा होता है, उसको क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, कोलन कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो क्या उसको कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर, छोटी आंत में भोजन का पाचन जो होता है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका ज्यादा होता है? पित्तरस का, अग्नाशय रस का, आंत्र रस का, इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी का होता है। किसका? पित्तरस, अग्नाशिक रस, आंत्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, अमाशय में अधपके भोजन के ले की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? अग्नाशय में जो अधपके भोजन के ले की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं, चाइल कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। जो अधपक्य भोजन जो होता है लई के रूप में होता है उसको काइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल का जो विखंडन होता है तो उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बी और सी दोनों। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अमोनिया का निर्माण होता है। 64 नंबर, स्वपोषी के लिए आवश्यक है, देखिए क्वेश्चन पूछे थे स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक नहीं है, वो क्वेश्चन था स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक नहीं था, वो क्वेश्चन आप देखिए इस बार क्वेश्चन आ गया, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक नहीं था, इसमें क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। तक क्वेश्चन पूछा था कि स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, दो नंबर में क्वेश्चन दे देगा, आप लोग मार सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम के द्वारा, जेजुनम के द्वारा, कोलन में, रेक्टम में। चाइल्ड का जो होता है अवशोषण जो होता है कहाँ पे होता है? तो इलियम में होता है। राइट आंसर आपका इलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, मनुष्य में आहार नाल की कौन सी संरचना अवशेषी अंग है? सिकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन।
राइट आंसर जो इसका हो जाएगा अपेंडिक्स हो जाएगा। मनुष्य के हर नाल की रचना का अवशेषी अंग जो है अपेंडिक्स चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांत जो होता है दांत अस्थिक्षय कारण है। दांत जो है अस्थिक्षय कारण है, मीठा चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों का सफाई न करना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दांत का जो क्षय होता है मीठे चीज का खाने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण से। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अम्ल जब हो जाता है तो क्षार दांत मंजन का हम लोग यूज करते हैं, क्षार का यूज करते हैं जिससे मेरा क्या हो जाता है वहां पर उदासीन हो जाता है, जिससे जो हमारा दांत जो क्षय होने से बच जाता है। और जब पीएच मान कितना से कम हो जाएगा, 5.5 से अगर कम हो जाएगा पीएच मान, तो दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। और दांत का जो होता है इनामेल का बना होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर, टेंडाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। अभी देखिए अभी बताएं थोड़ा देर पहले कि उसके ऊपर में जो था इनामेल का बना होता है, इनामेल, कैनाइल, दंत प्लाक, मोलर। राइट आंसर जो हो जाएगा इनामेल का बना होता है। डेंटाइन के ऊपर दांतों को सुरक्षा पाने के लिए कठोर परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 69 नंबर, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, सीलिया के द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, कुटपाद के द्वारा। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा कोशिका मुख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण इकाई कौन है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, प्लास्टिक, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण इकाई है, क्या है, इकाई है। 71 नंबर देखेंगे, 71 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पादन क्या है। मुख्य उत्पादन है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपका है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन जो है ऑक्सीजन का निर्माण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम में जो पाए जाने वाले जो पोषण होता है उसकी विधि को क्या कहते हैं, स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम, क्या कहते हैं, प्राणी सम कहते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, जड़ को, पत्ती को, अस्टोमाटा को, हरित लवक को। किसको कहा जाता है, तो हरित लवक को कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन करती है, भित्त की कोशिका, जैमोनिक कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा भित्तीय जो कोशिका है जो जठर रस की कौन सी ग्रंथि जो होता है, जठर रस की जो होता है भित्तीय कोशिका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, मनुष्य के मुख गुहा के कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा। राइट आंसर जो आपका इसका हो जाएगा आपका कि तीन जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 76 नंबर, इनमें से किस कौन सी संरचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा, सीलियम के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, पीना साइट के द्वारा। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है, एमिनो अम्ल में, वसा में, पॉलीपेप्टाइड में, न्यूक्लियोटाइड में। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा एमिनो अम्ल में, कैसे हो जाएगा, एमिनो अम्ल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 78 नंबर, कोशिका में किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। सजीव के जो है सारे विद्यमान रहते हैं गुण कोशिका के किस भाग में, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो आपका होगा जीव द्रव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है, निगल द्वारा, कंठ द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निगल द्वार के द्वारा राइट आंसर निगल द्वार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 नंबर, अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डाइट एवं एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 82 का, 81 का सी नंबर, छोटी आंत। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो एक से एक वीडियो आपके ऐप पे आते रहेगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका वीडियो छूट जाए, मिस हो जाए। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो भी नया वीडियो आएगा आप उसको पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हर चीज का मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको जो वीडियो चाहिए, जो चीज में चाहिए, हिंदी का चाहिए, हिंदी का नोट्स चाहिए, मैथ का चाहिए, जो चीज का चाहिए आप कॉमेंट कर दीजिए, उससे रिलेटेड हम सारा वीडियो बना देंगे। उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, घर पे रहकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। मेरा एम है कि हर गांव के कोने कोने तक जो है कि मुहिम को हम स्टार्ट किए हैं कि कलम से क्रांति लाया जा सकता है। घर पे बैठे जो नहीं आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, पढ़ने नहीं जा सकते हैं, कहीं अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप रेगुलर इस पे बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।